फाइनली फाइनली द लेजेंड ऑफ मौला जेट का ग्लोबली 200 करोड़ प्लस का बिजनेस हो चुका। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा द लेजेंड ऑफ मौला जेट का 38 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन पाकिस्तान। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कुछ ये है कि मेरे इंस्टाग्राम के पेजेस हैं तो आप लोग जाके उधर मुझे फॉलो करो यार, और जो नए नाज़रीन हैं जो मेरी वीडियो वगैरह देख रहे हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो में लाइक करो, कमेंट करो। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा द लेजेंड ऑफ मौला जट का 38 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 38 दिनों का जो बिजनेस है लेजेंड ऑफ मौला जट ने किया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं ऑलरेडी 29 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन पाकिस्तान डिस्कस कर चुका हूँ, तो पिक्चर मैं यहाँ चला रहा हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके यार 29 डेज में कितना किया था उसकी जो डिटेल वाइज है पर डे के हिसाब से वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करती हुई है, ठीक है, तो वहाँ जाके देख लें। तो फिर मैं अब ऑनवर्ड जो है आप लोगों को वैसे मैं बता देता हूँ 29 डेज में जो लेजेंड ऑफ मौला जट ने बिजनेस किया है ना वो किया था 68.6 करोड़। अब मैं 30 डे में जो बिजनेस उसने किया है वो बनता है फिफ्थ सैटरडे, तो फिफ्थ सैटरडे को द लेजेंड ऑफ मौला जट ने बिजनेस किया है 2.52 करोड़। तो इस तरीके से इसका जो टोटल बन जाता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो बन जाता है 71.12 करोड़। तो अब नेक्स्ट बात की जाए जी 31 डे, तो 31 डे में आता है संडे हमारे पास, तो संडे का जो बिजनेस था लेजेंड ऑफ मौला जट का वो 1.44 करोड़ था, ठीक है। तो अब जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया हमारे पास 72.56 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करें जी जो फिफ्थ वीकेंड में द लेजेंड ऑफ मौला जट का जो बिजनेस था वो था 5.38 करोड़। फिफ्थ वीकेंड में 5.38 करोड़ रुपया कमाया है, इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज तक किसी भी पाकिस्तानी मूवी या इंटरनेशनली पाकिस्तान में नहीं हो सका। नेक्स्ट डे आ जाता है जी वर्किंग डे मंडे का, तो मंडे को 32 डेज में भी आ जाता है, तो मंडे को डेफिनेटली बिजनेस डाउन होता है क्योंकि वीकेंड गुजारा होता है लोगों ने, तो फिल्म का कलेक्शन हमेशा कम ही हमें देखने को मिलता है। तो ये मंडे को मूवी ने कमाया जी 70 लाख रुपीस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे की बात करें तो जी वो बनता था ट्यूसडे, ट्यूसडे को 33 डेज बन जाते हैं, तो ट्यूसडे को बिजनेस किया है जी 74 लाख किया है जी। इस तरीके से टिल ट्यूसडे तक जो हमारे पास टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बन जाता है 74 करोड़, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जो बनता है 34 डे, तो 34 डे में लेजेंड ऑफ मौला जट का जो वेनसडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमारे पास तकरीबन आ जाता है जी 73 लाख आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट उससे जो थर्सडे को हम बात करें तो थर्सडे को हमारे पास आता है 76 लाख, ठीक है। तो टोटल जो फिफ्थ वीक का हमारे पास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ जाता है 8.31 करोड़। तो फिफ्थ वीक तक हमारे पास टोटल जो डेज बन जाते हैं ना वो बनते हैं 35 डेज, तो 35 डेज में हमारे पास जो बिजनेस आता है ना टोटल पाकिस्तानी में तो वो आता है 75.49 करोड़, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करें जी वीकेंड का आ जाता है जी। अब जो सिक्स्थ वीकेंड में जो पहला डे होता है हमेशा फ्राइडे का ही होता है, तो जो फ्राइडे को हमेशा जंप लगता है, तो फ्राइडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था हमारे पास 1.27 करोड़। अब हम बात करें जी सिक्स्थ वीकेंड के सेकंड डे की, जो हमारे पास आता है सैटरडे, सैटरडे को मजीद बिजनेस इंक्रीज होता है तो हमारे पास फिगर आया है 1.93 करोड़, ठीक है। तो मजीद इंक्रीज हुआ है। अब जो सिक्स्थ वीकेंड का थर्ड डे आता है हमारे पास वो आता है संडे का, संडे में इसने फिल्म ने किया है जी 1.73 करोड़, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से हो गया हमारे पास 38 डेज। तो 38 डेज में लेजेंड ऑफ मौला जट का पाकिस्तान में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गए 80.42 करोड़। तो फाइनली फाइनली द लेजेंड ऑफ मौला जट का
ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया वो 200 करोड़ प्लस हो चुका है। मुबारक हो सारे पाकिस्तानियों को, आज तक ना किसी पाकिस्तानी मूवी ने 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई, ना 150 में हुई, ना 200 में। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने ये न्यू रिकॉर्ड बनाए हैं जी। तो ये कैसे 200 बनता है अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी। द लेजेंड ऑफ मौला जट का आपको मैंने बता दिया है कि जी पाकिस्तान में इसने किया है जी 80.42 करोड़, तो ओवरसीज में जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो था 122.79 करोड़। इस तरीके से बन गया टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 203.21 करोड़। मसलन के 203.21 करोड़ जो वर्ल्ड वाइड लेजेंड ऑफ मौला जट का बिजनेस हो गया। ये सबसे कामयाब तरीन मूवी पाकिस्तान की साबित हो चुकी है। तो जी जैसे जैसे दिन गुजर रहेंगे ये मजीद रिकॉर्ड बनाएगी। अब सब लोगों की नज़र है जी 250 करोड़ ये बिजनेस कर पाएगी कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये तकरीबन, अगर जैसे ये स्ट्रॉन्ग अभी तक चल रही है तो लेट्स सी कि ये 250 का भी फिगर क्रॉस कर लेगी। 300 करोड़ तक ये नहीं जाएगी क्योंकि इतना मोमेंटम नहीं रह गया मूवी में। 250 तक ये मजीद इंशाल्लाह ताला अगर जैसे ये स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं तो उसके मुताबिक जा सकती है। ठीक है, तो मुझे इजाजत दीजिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।